Exercise 9, example number 23. If sec theta plus tan theta is equal to P, then obtain the value of sec theta, tan theta, sin theta in the term of P. Okay, अब हमको ये सब की value find करनी है. Okay, और through this means हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि हमको मालूम है कि sec square theta minus tan square theta is equal to क्या होता है? 1 होता है. क्या होता है? 1. ये हमारा एक trigonometric आइडेंटिटी है, वो आपको मालूम है. sec square theta minus tan square theta is equal to 1 होता है. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे sec theta plus tan theta sec theta minus tan theta is equal to 1. अब हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे sec theta minus 1 time minus 1 time plus कौन सा आइडेंटिटी मैंने अप्लाई किया, x square minus y square is equal to x minus y x plus y, ये वाला आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. ओके, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करके तो ऐसा हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, sec square theta plus tan theta sec theta plus tan theta is equal to p है, इसका तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा. क्या मिलेगा, sec theta minus tan theta is equal to 1. p को नीचे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, sec theta minus tan theta is equal to 1 upon p. तो यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ पे दो वैल्यू मिली, एक तो sec theta plus tan theta is equal to p और दूसरा क्या मिला, sec theta minus tan theta is equal to 1 upon p. यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई. अब हम ये दोनों की हेल्प से ये सारी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो कैसे हम देखते हैं. ओके, चलो फर्स्ट वैल्यू फाइंड मींस वन बाय वन सब वैल्यू फाइंड करते हैं. तो देखते हैं क्या होगा, sec theta plus tan theta minus sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta की वैल्यू क्या थी, p, minus sec theta minus tan theta की वैल्यू क्या थी, 1 upon p. अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, sec theta plus tan theta minus sec theta plus tan theta is equal to LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, p square minus 1 upon p. ओके, तो यहां पे क्या होगा, देखो sec theta ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कट हो गए. तो 2 टाइम tan theta is equal to p square minus 1 upon p हो गया. तो इसके साथ इसके नीचे लेके जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो tan theta is equal to क्या मिल जाएगा, p square minus 1 upon 2p. तो मींस हमने क्या किया, पहले क्या किया, ये हमारे पास था, ये हमारा आइडेंटिटी था, वैल्यू पुट की और ये हमने सेकंड वैल्यू फाइंड की, sec theta minus plus tan theta की p और sec theta minus tan theta क्या मिली, 1 upon p. तो यहां पे क्या किया, ये दोनों को मैंने सबट्रैक्ट किया तो अब मुझे क्या मिल गई, tan theta की वैल्यू मिल गई. ये सबट्रैक्ट किया तो tan theta की वैल्यू मिली. अब हम एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, sec theta की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो चलो अब यहां पे क्या होगा, sec theta plus tan theta, मैंने यहां पे माइनस किया था, अब मैं प्लस कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना आप, sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta क्या है हमारा, p, फिर यहां पे प्लस था तो प्लस, और sec theta minus tan theta क्या है, 1 upon p, 1 upon p. मींस यहां पे जो माइनस कर रहे हो तो यहां पे हमने माइनस किया, यहां पे प्लस कर रहे हो तो मैंने यहां पे वैल्यू प्लस किया. ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो sec theta plus tan theta plus sec theta minus tan theta is equal to LCM लेंगे, p square plus 1 upon p, ये LCM ले लिया. अब क्या होगा, tan theta तो कट हो जाएगा. ओके, यहां पे क्या बचा, 2 टाइम sec theta, 2 टाइम sec theta is equal to p square plus 1 upon p, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पे चला जाएगा, तो sec theta is equal to p square plus 1 upon 2p. तो हमको क्या मिला, दो वैल्यू मिल गई, tan theta sec theta दोनों की वैल्यू हमको मिल गई. अब देखो मींस ये और ये वैल्यू मिल गया, फाइंड क्या करना है, sin theta की वैल्यू फाइंड किया. देखो यहां पे क्या करना है, हम कि sin theta is equal to क्या है हमारा वैल्यू, तो sin theta is equal to tan theta upon sec theta लिख सकते हैं. अब आप बोलोगे कैसे, उसकी वजह है, देखो sin theta is equal to tan theta upon sec theta मैंने क्यों लिखा, tan theta का वैल्यू क्या होता है, sin theta upon cos theta, और sec theta का वैल्यू क्या होता है, 1 upon cos theta. ओके, तो cos theta cos theta कट हो जाएगा, sin upon 1 is equal to
साइन, तो इट मींस दैट यहां पे tan थीटा और यहां पे sec थीटा लिखा, सब कट हो रहा है और लास्ट में क्या मिल रहा है, sin ही मिल रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अब क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, tan थीटा की वैल्यू है ये रही p स्क्वायर माइनस 1 / 2p, p स्क्वायर माइनस 1 / 2p अपॉन sec थीटा की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर प्लस प्लस 1 / 2p। ओके, अब यहां पे क्या है, ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचेगा यहां पे, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे हमको तीन वैल्यू मिल गई जो हमको फाइंड करनी थी, tan थीटा, sec थीटा एंड sin थीटा। ओके,